हेलो दोस्तों, नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं दोस्तों T10 क्रिकेट। दोस्तों ये फटाफट क्रिकेट है और इसमें पैसा भी फटाफट कमाया जा सकता है। उसके लिए हमारी टीम सिलेक्शन सही होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि हमारी टीम का सिलेक्शन क्या होना चाहिए अगर हम T10 क्रिकेट में टीम बना रहे हैं। तो हमेशा दोस्तों आप दो विकेट कीपर के साथ अपनी टीम बना सकते हैं। बल्लेबाजी सिलेक्शन का जब दोस्तों दो रहता है तो आप तीन बल्लेबाज को अपनी टीम में लेके चलिएगा, जो 3-2-5 आपके बेटर हो जाएंगे टोटल मिलाकर, दो विकेट कीपर और तीन बल्लेबाज। बात करें ऑलराउंडर की, दोस्तों आप कम से कम तीन ऑलराउंडर अपनी टीम में लेके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑलराउंडर वहाँ होते हैं और बैट बॉल दोनों का उनका मौका मिलता है और ये बहुत ज़रूरी है। साथ में तीन आप बॉलर लेके जा सकते हैं, यानी कि तीन गेंदबाज, तीन ऑलराउंडर, तीन बल्लेबाज और दो विकेट कीपर के साथ आप अपनी टीम में 11 प्लेयर इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसका एक बड़ा कारण बताता हूँ दोस्तों, पांच बल्लेबाज तो आपके हो ही चुके थे, तीन ऑलराउंडर और आपके यहाँ मिल जाएंगे तो 5-3-8 बल्लेबाज आपके पास रहेंगे। और तीन गेंदबाज के साथ जब तीन ऑलराउंडर मिलेंगे, तीनों ऑलराउंडर वो जो गेंदबाजी करते हो उनको कम से कम एक ओवर मिलता हो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और वो कई सारे ऐसे ऑलराउंडर होते हैं T10 में, उनको एक ओवर तो मिल ही जाता है। तो आप ऐसे ऑलराउंडर पे फोकस करके चलिएगा तो आपके पास 6 गेंदबाज हो जाएंगे कुल मिला करके। तो मिला जुला जब ये आंकड़ा रहता है ना दोस्तों T10 क्रिकेट में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के हमारे सेलेक्ट किए हुए प्लेयर को बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कैच, इस तरह की सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी हमारे पॉइंट बढ़ेंगे और हमारी रैंक आएगी। क्योंकि दोस्तों T10 क्रिकेट इतनी छोटी क्रिकेट है, इतनी कम ओवर की क्रिकेट है कि प्रति प्लेयर को एक ओवर ही पाती आता है अगर हम बात करें तो, क्योंकि 11 प्लेयर खेलते हैं और 10 ओवर का मात्र मैच है, तो इससे ज़्यादा तो आ नहीं पाएगा। तो आप जब भी टीम सिलेक्शन करें तो ये फॉर्मूला अगर आपने लगातार 5-6 मैचों में अपना लिया, रेगुलर कैसा ही विकेट हो, लेकिन आपको प्लेयर सिलेक्शन ये रखना है। आप देखिएगा दोस्तों ज़्यादातर मैचों में आपको यही ड्रीम टीम बनती हुई नजर आएगी। तो आप जब भी टीम सिलेक्शन करें तो इस तरह से टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में।